नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी पीएफ मेंबर्स को ईपीएफओ यानी पीएफ के 2024 के एक बड़े और एक नए अपडेट के बारे में बताने वाला हूं। आप सभी पीएफ मेंबर्स को बता दूं कि पीएफ की वेबसाइट पर ईपीएफओ द्वारा यह अपडेट कुछ दिन पहले ही कर दिया गया था, लेकिन अभी तक ईपीएफओ द्वारा कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं करी गई थी कि भाई ये अपडेट परमानेंट अपडेट है या फिर टेम्परेरी अपडेट है। और पीएफ मेंबर काफी ज्यादा कंफ्यूज भी थे, मेरे से पूछ रहे थे कि सर ये जो अपडेट आया है, अपडेट अभी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि अपडेट क्या है। लोग पूछ रहे थे कि सर जो ये अपडेट आया है ये टेम्परेरी अपडेट है, परमानेंट अपडेट है, क्योंकि पीएफ ऑफिस द्वारा कुछ बताया ही नहीं गया कि अपडेट भी आया है। तो इस वीडियो में आप सभी पीएफ मेंबर्स को इस अपडेट के बारे में पूरी की पूरी कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो अगर आप भी एक पीएफ मेंबर हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना और पूरा जरूर देखना। चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं मैं इस वक्त पीएफ की ऑफिशियल सर्कुलर वाली वेबसाइट पर आ चुका हूं, जहां पर ईपीएफओ के सारे सर्कुलर आते हैं। तो अभी फिलहाल में ही ईपीएफओ ने इस अपडेट को लेकर एक नया सर्कुलर जारी किया गया, यहां पर आप देख सकते हैं, यह है सर्कुलर नंबर 49। यहां पर आप देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, मैं आपको भी बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा। यहां पर लिखा है रिमूवल ऑफ मैंडेटरी अपलोडिंग ऑफ द इमेज ऑफ चेक लीफ अटेस्टेड बैंक पासबुक फॉर सर्टेन एलिजिबल केसेस। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर ईपीएफओ द्वारा पीएफ का क्लेम करते हुए पीएफ में जो हम पासबुक या चेकबुक की स्कैन कॉपी लगाते थे उसे हटा दिया गया है। और यहां पर देखिए एक चीज लिखा हुआ है, पासबुक फॉर सर्टेन एलिजिबल केसेस, यानी सब लोगों के लिए नहीं किया गया। ऐसा नहीं है कि सभी पीएफ मेंबर्स को पीएफ का क्लेम करते हुए यहां पर पीएफ की पासबुक या चेकबुक लगाने का ऑप्शन नहीं आएगा। मतलब एक बार अपडेट बताता हूं, ध्यान से सुनना भाई। अभी फिलहाल में ईपीएफओ द्वारा अपडेट किया गया था, अपडेट ये किया गया था लेकिन बताया नहीं गया था कि जब भी हम अपने पीएफ का क्लेम करेंगे तो अब हमें वहां पर अपनी चेकबुक या पासबुक अपलोड करने की जरूरत नहीं है। स्क्रीनशॉट आप लोग देख सकते हो, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है कि पासबुक फॉर सर्टेन एलिजिबल केसेस, यानी कुछ लोगों के लिए। ठीक है ना, अब यहां पर मैं आपको इस सर्कुलर पर क्लिक कर देता हूं तो आपको अच्छे से समझ आएगा। यहां पर आप देखिए, यहां पर जो ये सर्कुलर है ये ईपीएफओ द्वारा जारी किया गया 28 मई 2024 को। ठीक है, किन के लिए? टू ऑल एसीसी एचक्यू एसीसी जोनल ऑफिसर, यानी जितने भी हेडक्वार्टर हैं पीएफ ऑफिस के, जितने भी जोनल ऑफिसर रीजनल ऑफिसर हैं, सबको ये जारी किया गया है। किस लिए जारी किया गया, सब्जेक्ट क्या है, यहां पर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहां पर आप देखिए जो सब्जेक्ट है वो ये आ रहा है कि सब्जेक्ट रिमूवल ऑफ मैंडेटरी अपलोडिंग ऑफ द इमेज ऑफ चेक लीफ अटेस्टेड बैंक पासबुक फॉर सर्टेन एलिजिबल केसेस रिगार्ड्स। मतलब कि रिमूवल ऑफ मैंडेटरी अपलोडिंग ऑफ द इमेज ऑफ चेकबुक और पासबुक, मतलब पीएफ का क्लेम करते हैं जो हम चेकबुक या पासबुक लगाते हैं उसको रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया है। अब हम बिना चेकबुक या पासबुक लगाए ही डायरेक्टली अपने पीएफ का क्लेम कर पाएंगे। अगर आपके सामने भी डायरेक्ट पीएफ क्लेम करने का ऑप्शन आ रहा ना तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, लेकिन यहां पर लिखा है कि सर्टेन केसेस के लिए। तो अगर आपको अभी भी पीएफ का क्लेम करते हुए चेकबुक या पासबुक अपलोड करने की जरूरत पड़ रही है तो आप समझ जाओ कि आप इस केस से, इस क्राइटेरिया से बाहर आते हो। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए, मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों किया गया है, इसका कारण क्या है। यहां पर लिखा है विद अ व्यू ऑफ फैसिलिट द स्पीडी सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स फाइल्ड ऑनलाइन एंड टू रिड्यूस द रिजेक्शन ऑफ क्लेम ड्यू टू द रीजन ऑफ नॉन अपलोडिंग ऑफ द इमेज ऑफ चेक लीफ अटेस्टेड बैंक पासबुक वाइल फाइलिंग क्लेम ऑनलाइन। मतलब कुल मिला के इतना बड़ा पढ़ के बताने की कोई जरूरत नहीं है, मैं समझ चुका हूं, पढ़ चुका हूं, मैं आपको अच्छे से हिंदी में। ये जो पीएफ का क्लेम करते हुए पासबुक या चेकबुक अपलोड करने का ऑप्शन हटाया गया ना, ये हटाया गया है इसलिए ताकि अब जो पीएफ के क्लेम हो कम से कम रिजेक्ट हो और जल्दी से जल्दी सेटल हो। जी हाँ, ध्यान से सुनना, इसलिए क्योंकि जब हम पीएफ की पासबुक या चेकबुक ऑनलाइन लगाते थे, अपलोड करते थे, कई बार वहां पर हमारा पासबुक पे नाम गलत होता था। ठीक है ना, या फिर आप कह सकते हैं ना मिसप्रिंट हो जाता था, कुछ भी हो जाता था, कोई दिक्कत आती थी जिसकी वजह से पीएफ का क्लेम रिजेक्ट हो जाता था। साइन नहीं होते थे, स्टैंप नहीं होता था तो भी पीएफ का क्लेम रिजेक्ट होता था। चेकबुक लगाते थे तो यहां पर भी हमारा नाम प्रिंट नहीं होता तो भी रिजेक्ट होता था। लेकिन अब इन सभी चीजों छुटकारा मिल चुका है क्योंकि अब हम वहां पर कुछ अपलोड करने की जरूरत ही नहीं है। और दूसरी बात, पीएफ का जो क्लेम है वो अब जल्दी जल्दी सेटल कर दिया जाएगा क्योंकि उन्हें कुछ मैनुअल काम नहीं करना है, वेरीफाई नहीं करना है। वो ऑलरेडी आपकी कह सकते हैं आपका बैंक वेरीफाई कर देता है नाम डेट ऑफ बर्थ से ही, और एम्प्लॉयर आपकी केवाईसी वेरीफाई कर देता है। समझ आ गया आप लोग को? तो यही सर्कुलर ईपीएफओ द्वारा जारी किया गया था। अपडेट मुझे पता है काफी पहले आ गया था, आप लोगों को पता है, लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी करी गई है ईपीएफओ द्वारा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना।